ज्योति जी ने तो ऐसी हालात कर दी है मोदी जी, जो आने वाले समय में ऊंची नहीं कर सके। तीन बार तीसरी बार है आपके कर दे बाहर भर मेल दे तो आएगी हडमान दोनों बेड़ा नहीं हडमान एक लाख जीता नहीं अब के दोनों क्यों पहले क्यों समझा कोई नहीं होगा खुली गई डरा थोड़ी घड़ी हूँ हडमान खास आदमी हूँ क्या हडमान जी मेरे तो मोदी जल्दी थोड़ा भारी हल्ला पड़ गया बीमार थे ना जरा यानी चेतु क्यों चेतु करा दी लोग मोदी जी माने रुड़ा मेल दिया मैं बताऊँ आपने के बीमार दिन मोदी जी ने चाटा कहीं करे मोदी जी ने माने कहीं नेता प्रश्न को नहीं मैं तो आज देखा नेता कहीं घना छठ जा नहीं जगह ने माँ उन दो कोशिश करा ज्यादा छठ जा नहीं चाहे बोले हनुमान जी हो चाहे बोले ज्योति जी हो मैं झटको जरूर देवा माँ ये पहले अनुसार मैं बोल देता हूँ ये हनुमान जी को मैं यही सुनाना चाहता हूँ कि पहले पांच साल में हनुमान जी थोड़ा मोदी जल्द भारी ज्यादा बढ़ गया इस वास्ते हनुमान जी को लोकल ने झटको दियो। मैं नागौर लोकसभा क्षेत्र के खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बेरथल गांव में हूं। यहां पर जो है बहुत सारे लोग चौराहे पे बैठे हैं, जो है नागौर का राजनीतिक माहौल क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। राम राम जी। राम राम। कई नाम है? हीरा राम। क्यों गांव हीरा राम जी? बरतल। अच्छा बरतल है। कितना परसों रहे गांव में? गांव में तो का सफर हुई है घणे ही बड़े हुई है। कई माहौल चल रियो नागौर में? हम नागौर में माहौल ठीक ही चल रहे हनुमान जी रुके हनुमान जी रुके कई मामला प्रधानमंत्री कौन बन सके? प्रधानमंत्री भगवान जाने कौन। भाई खान जी का नाम है? वाडना वास के दी। अस्कर जी काय माहौल चल रहे? ठीक है बढ़िया भाई है? बढ़िया ही चल रहा है। की रो मामलो बारी है? बारी देखो हम किस्मत काम दे। हां किस्मत ही खेल है। किस्मत हमारी है। हां किस्मत किस्मत बारी काय बाबा जी काय मामला हम किस्मत रहा है साहब मोदी जी ने बड़ा रिप्यूल मोदी में जीता हुआ वोट देवा मोदी मतलब रिप्यू की करनी रहने दे थोड़ा गरीब आदमी जेब रहे को नहीं आने वाले समय पांच आयु देश से हालात कहीं है कितो होनो देश में घाटो खाली है कितो बेचियो है वो तो बेचियो मतलब मैं समझू सोनो आप स्टॉक रूडो मनमोहन सिंह का टाइम कितना सोना था अभी कि हाँ देश में अब कई स्थिति है। मनमोहन सिंह ऑल टाइम बम फूटता गली गली मायने बम फूटता अब और वाली आज कान कितना हुआ अभी मोदी हेलो कान हेलो है अर्थ मनमोहन सिंह टाइम हेलो तो बम ब्लास्ट के मामले में आपने कितो ज्ञान है? माता ने ज्ञान कहीं बतावा है जगह ही नहीं अब तो अब छा पड़ जी मोदी जी ने कि इन स्थिति में कहीं हुआ जगह ना तो भी आपने की आईडी बता माँ तो आईडी है जी बता दी ना नागौर में सोती करना का ज्योति मोदी जी बोले मोदी आओ चाहे कोई आओ कर दे सोते आगे कर दी तीन बार तो मोदी जी री और हमें मोदी जी खुद ही कर दे मोदी जी नागौर तो खड़ा ही गोंदा खड़ा नहीं रावी से तीन बार तो आएगी आगे कुछ रहा यार नागौर में यार बड़ो और आए वो प्रधानमंत्री कौन बन सके? प्रधानमंत्री तो हम देखो मैं नहीं कह सका हाल कहीं जनता थोड़ी बोली पड़े कि मोदी मोदी हवा में पर जब सीटम पे कौन आवे यानी मोदी जी ने हरे जीत उम्मीद कौन नहीं प्रधानमंत्री कौन बन सके? प्रधानमंत्री अब बन में तो मैं वो भाई आज देखा कि मोदी वो बन सके क्या कर्म है थोड़ा कहना पर सीटम पेर का जी तो कौन है साहब तो ना कहीं साहब प्रधानमंत्री कौन बन सके? प्रधानमंत्री देखो जनता का रुझान किस तरफ होता है आप लोगों के गांव के लोग क्या सोचते हैं? गांव गांव में तो मोदी जी नहीं बनना चाहिए किसान मजदूर गरीब के लिए तो कांग्रेस अच्छी थी और ये तो मतलब उच्च घरानों के लिए है बिजनेसमैनों के लिए बीजेपी किसान के लिए कांग्रेस अच्छी है। नागौर आज दिन तो साहब जो गठबंधन है हनुमान जी बनी वाले वो भारी पड़े भारी पड़े प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री देखो देश लंबो चौड़ो है कौन बन सके का ही भावना है प्रधानमंत्री तो मोदी बनना है प्रधानमंत्री कारण कहीं बन नागौर की जनता जगी मोदी ने नहीं चाहे पर प्रधानमंत्री तो मोदी बन देखो के अब जगह चुनावी मुद्दा है अबे विकास नाव माते थे नहीं और सब है जो राजनीतिकरण हुए जो धर्म रे आधार माते और वोट भी यही हिसाब पड़ रहा है अब मेन मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा है हमको चाहिए व्यवस्थाएं। आज हमारे यहाँ पे राजस्थान में बीजेपी सरकार है अब ऐसा तो है नहीं कि जो आम गरीब है वो मकान बनाने के लिए बजरी और पत्थर वो चाहिए अब ये सारी जो व्यवस्थाएँ हैं घर सरकार की तो इसलिए उनको वापस छपरे बनाने पड़ेंगे। बजरी कितने समय से बंद है? बजरी तो कांग्रेस टाइम से जैसे ही है सरकार पूरी हुई ना तब से बंद है नई व्यवस्था लागू करनी चाहिए ना कहीं सा
अच्छा यूँ है बजरी बंद नहीं है पर जो आने 40 रुपया कुंटल या 150 रुपया कुंटल हुई है। मोदी जी माने रुड़ाल मेल दिया, मैं बताऊँ आपने के बीमार दिन मोदी जी ने चाटा कहीं करे मोदी जी ने बीमार माऊ लार के बोली जी मोदी जी ला रहे गरीब रही आम हर आम आदमी की परिस्थिति में पर वो कर क्या सकते हैं, उसकी बाबड़ बजे नहीं है क्यों उसकी चलती नहीं है। इन वास्ते आप ले बैठे हैं मोदी जी मोदी जी खाली साहब माऊ तो मोदी जी ला रही गीत गाजिए कोई नहीं देश गरीब रही तो हालत खस्ता कर दी है मोदी जी ने ये बात है। अरे आने वाले कहूँ मैं आपने 280 सीटों ज़्यादा 81 नहीं आवे मोदी जी लो सरकार सरकार की नहीं बनी सरकार तो मामा में दी गया घड़ी बने क्या कहते लार बारह बाबड़ा में करे कहीं कहीं तो बम खुला डरता लोग कहीं करेगा मोदी जी के कटे बीमार थे ना बनी तो घनी मोदी जी है सरकार एडी बत्ती है ना एडी आखाई मार भाई गरीब रही नहीं मां तो आ जाएगा मारे भाटा है पत्र है कोई कोई काम करा जगह माना मिले को नहीं सर मैं कहीं पर एडी जड़ी बात है एडी ज्यादा हालात खराब है मारी तो बीमार कहीं सर मारे तो हालात ज्यादा खराब है तो खराब ही और कहीं मान मारी आज माने एक गरीब आदमी कोई झोंपड़ी मारनी सब है तो वो बजरी लावे बिन कहीं बबी कन 40 रुपया 150 रुपया कटो लावे साहब नागौर की जनता 150 रुपया कटो लावे। हाँ तो आज बात है ना नागौर में जो मार पत्र है मैं बताऊँ तो पत्र है माता जो अवैध खनन हो रही है क्यों तो या तो लीज करते तो गरीब आज घर खेत में मान दो घर घर खुद खेत में भाटो है वो नहीं निकाल सका माँ है तो मोदी जी अब मोदी खुद हड़पे गए हाँ हमारा भाई आवे माल माल तो आज हड़पन सब है नागौर नागौर कौन जीत सके नागौर जो हड़मान बहनी वाली जीत कांग्रेस गठबंधन कांग्रेस जीती है कांग्रेस जीती है हड़मान की वजह आए गई हड़मान दोनों बेड़ा नहीं हड़मान एक लाख जीता नहीं अब के दोनों क्यों पहले क्यों समझा कोई नहीं होगा खुली गई डर थोड़ी घड़ी हूँ हड़मान खास आदमी हूँ क्या हड़मान जी मैं तो मोदी चलते थोड़ा भारी हल्ला पड़ गया बीमार थे ना जरा यानी चेतू क्यों चेतु करा दू लोग अब हम ही देखे ये लीड निकलेगी कम से कम 2 लाख से बाहर है नहीं ज्योति मिर्दारी ऐसी तैसी करेगा क्या कहती है जनता जनता सही क्या है साहब कह बच्चे सही है रेडी है बीमार जी कह रही हूँ ना ज्योति जी तो ऐसी हालात कर रही है मोदी जी जो आने वाले समय में ऊंची नहीं कर सके तीन बार तीसरी बार है अब के कर दे बाहर भर मेल दे चौको चौको बाहर मेल दे क्या कहो भरो मायर मतलब जाए जरा जाटा भरियो ना वो भी नहीं ऐसा हालात मेल दे मोदी जी री बीमार दे वो बाबड़ कहे नहीं मनीष मिट दो बजट बोला बजट बोला दे और तो कहीं भाटी क्या रविंद्र भाटी भैया मनीष मनीष कभी ये मिट दा हिमाचल साहब है ना नागौर बताए हरिमत करो ना ज्योति जी ने कहो नागौर हरिमत करो ना आ हिमाचल ना नागौर बाड़मेर जोधपुर अरे चूरू चार में हालत बताऊँ थाने ने हिमाचल ने जाना खबर कांग्रेस कितनी सीट आ सके है राजस्थान में कांग्रेस सीट कांग्रेस 9 सीट मैं आ चुकी हूँ आपने लो चार तो थे कोशिश तो करा भगवान करे 13 सीट आवे कांग्रेस की जरा मजो आवे मोदी जी ठा पड़े झटको देवा खा चल जाना हे भगवान नागौर जनता ने वही राजस्थान जनता ने सरकार अर्ज करूँ इन मोदी ने झटको देनू साइज जे क्यों माने हालात खर्च कर दी मारे जेब में रिप्यू नहीं मैं कहीं जाना ही कौन है यार गरीब आज मेरी आज यू साहब कहीं करूँ पेंशन दावे पेंशन बढ़ की कितनी गांड में कहीं करा साहब ने नहीं एक बात क्यों पेंशन करे कहीं पेंशन करे कहीं पेंशन पेंशन धारी बदी नहीं बदी पेंशन बदी कहीं काम आवे साहब पेंशन नहीं इन तो हल्ला जाए क्या लोग कमन कौन जावे नहीं वास्ते देश ने घटो हल्ला लगा लियो है ये मोदी जी घणी अशोक जी को दिया नहीं अशोक जी दिया थे पहुंची हो रिटायर्ड मैं तो रिटायर की कोनी हूं तो मजदूरी करूं कम तो मजा हूं मैं अब रुपया बापड़ा पहुंचा आप की करके वजन मत ना है छाप दियो ना बस मारी बात सुनो मैं कोई नौकरी करूं नहीं मैं की नहीं हूं मैं तो इन मोदी ने ऐसे ऐसे करूं लागू हूं आ बात आ लियो मैं बताऊं आपने मैं तो मोदी जी का ठेकेदार है देखो ठेकेदार तो बड़े तो मंटा कौन काई है लेकिन यहां तो धंधो है जो जेलर बनवाना इस संबंध में टंकिया बनानी मैं तो नहीं मैं हड़मान जी सोच काम है हड़मान जी आज भी मैं करूं हड़मान जी हूं बिल्कुल बिल्कुल पर बात के वहां मां माने थाई जे विकास मां आज नहीं देखा मां के भाई हड़मान जी का हड़मान जी होने से मोदी का सब खराब काम किया क्या लगे था मोदी जी खराब तो मानी बार कहना मतलब मोदी जी खराब तो है कि जनता है ना जितो भी है ना और की वो नहीं जनता मामले आएगी मार गरीब आ बात है ए तो मोदी थोड़े कर ए बजरी है भाटा है ए बंद मत करो ए बाबड़ा यहां किसान यहां भी पड़े है नहीं हम बंद कराए दे जनता खाए कहीं मन बताओ बजरी बजरी भाटा ठेको कटो चलो मान लियो मोदी बंद कराए ठेको कौन करे बजरी भाटो मारी बात सुनो साहब केंद्र सरकार सारा काम तो केंद्र से होता है केंद्र नहीं केंद्र से होता है मोदी जी एक ही क्या मैंने 370 धारा हटा दी है एक एक एक, एक अबार अबार नागौर में प्रधान मुख्यमंत्री की रैली हुई बिंग में आके भाई टोली वाला ने कोई ने रोकनो नहीं काई काम है टोली वाला टोली अब इसके सुनो कल भरी 50,000 पकड़ी ट्रैक्टर लो कौन का काई काम आवे अरे आप ही लियो नहीं मैं अबार बताऊं मैं आप लाओ टोली मैं बताऊं फोन करूं अबार आ तो आ सर केनिया है फोन करनिया कौन है फोन कोने आएगी जनता ये मगर कोने भाई आप ही फोन करना दूसरा कोने बात आ गई है सर
जमा टोली बन जाए धोल के बाटा नहीं काले बाटा लेने अब पकड़ लिया आपने तो पकड़ा पकड़ा जनता ही पकड़ना आप तरी में पकड़ा ओवर कौन पकड़ा कड़ी कड़ी मिलोड़ी है सब जुगाड़ देखे के काई कानून निकालने के कर मजदूरी सिस्टम होए ऊपर लेयर नीचे तक जगह अधिकारी लेयर मंत्री तक सब मिलोड़ रहे यहाँ सब आप रे मंत्री रहे सूचना कटो जावे आ बटन जावे और कटो जावे वो घर में घर भेद फूटे नहीं जो रावणी मर गो ए वाज अबार कह दे साहब कटो बा के बट बर्दल चोरे मत खड़ा आप रे हम एक बात क्यों है उधर ए वाज भेद तो मटू जावे मटू भाई फलाण आज बट उबो दी वास्ते ना आ बात है साहब थारो मन मेन मुदु काई पूछ नागौर सीट पूछ जाओ को ज्योति जनता काई चावे नागौर की जनता राजघाट क्यों नहीं रहनी चावे नागौर जनता राजघाट क्यों कोन जानी चावे यहां नागौर माने काई नेता प्रश्न कोन जाने मैं तो आज देखा नेता कहीं घना छठ जा नहीं जगन माँ ऊंधो उतर कोशिश करा ज्यादा छठ जा नहीं चाहे बोले हनुमान जी हो चाहे बोले ज्योति जी हो बहन झटको जरूर देव माँ कांग्रेस नहीं जावे सीटा राज तो आया हुआ था ना नागौर में तो अब नागौर के राजस्थान में अगर आरएलपी इसमें सहन मारी नहीं करती आज गठबंधन हुआ है अगर पहले हो जाता पिछले जो इंटरव्यू में मैंने बात कही थी कि आरएलपी अपनी सरकार कभी भी नहीं बना सकती अकेले के दम पे और मैं आज वही कह रहा हूँ आज अभी ये सरकार मांगे तो अपनी भाषा पे संयम रखें हनुमान बेनीवाल में मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और ताकि वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करें तो बन सकते बिल्कुल बाबा जी कहीं माहौल है चुनाव रो ठीक है की कर किरो पलटो भारी पलटो तो माधु कही मुद्दा कि यार कोई आया यार कोई कौन कौन हम चार पूछने को आया नहीं साहब कोई प्रधानमंत्री कौन बने आप आर तो बने रविंद्र भाटी लियो रविंद्र भाटी आई तो अब तक प्रधानमंत्री कौन बन सके अरे माने हमको आईटा प्रधानमंत्री जगह लेकिन भागी लिखियो है जगह बन जी कहीं सा हम हूं तो मारी पार्टी तो हूं तो मालो बने ठेके मोदी अंडरग्राउंड जरूर हुई साहब ना जे प्रधानमंत्री बन जी ना गुपम जरूर जाए तो मैं आ घणो ज्यादा लंबो मोदी जी कोनी ना भी वात ने बस गरीब री हायत लागी उपरो मान भाई मान धारे कोई नहीं पर मैं गरीब री आप जग निकले नहीं इन कई मर गया वे कोनी वे तो ये वास्ते गरीब मोदी जी ने आई मोदी जी थे घना मेहमान कोई नहीं होना ये वास्ते ना या तो खबर उड़ दी हम की चोइस नहीं भी वास्ते सीटा तो क्यों अभी उड़ उड़ गए अभी कहता है हमने 400 से पार करेंगे वैसे करेंगे हम कोशिश करते हैं इसको 250 माते लाने की है ना ये वास्ते मोदी को झटका देने खांस के देंगे नागौर में जो मत सोते करना का ज्योति रीन मोदी दोनों यार लो अब मेन मुद्दा था ना नागौर हैं जोधपुर जावे जोधपुर शेखाव जा रहे दूरू मैं बताऊं कब तक कोशिश मैं तेरा सीटा मत लाने कोशिश करा मानो जने मानो था पड़े गया यहां के मोदी जी ने झटको दियो तो है ना गरीब वाली अब आ थोड़े आ एक भावना है ज्योति जी को मोदी है तो नागौर है मोदी है तो बीमार नागौर सीट मा कौन जाओ मोदी खत्म को जान शाहबाजी मनीष मिर्दा भी साथ मनी है ज्योति के खुद का नहीं नागौर की जनता मतलब नागौर का एमएलए एमपी कितना बार राजघाट रही हो कदी बहुत तो कांग्रेस कोई नहीं साहब पहला कांग्रेस कोई नहीं नागौर तो विकास में मुख्यमंत्री कांग्रेस राज कोई नहीं तो विकास विकास कपड़ा मंत्री कोई नहीं नागौर को विकास नागौर की जनता विकास संतुष्ट है नागौर के नहीं नागौर की जनता विकास संतुष्ट है कौन नहीं नागौर जनता जनता मान माने कहीं राजनेता कहीं अब आप रोटियां हेकन वास्ते ना गरीब रू नहीं सुन दियो मैं तो बिना वास्ते मोटी बात है इस गांव माने और बाकी माने कोई एलर्जी नहीं है मां तो आई का हर आम आदमी दुखी है साहब आम आदमी दुखी है बिना वास्ते ना अब नेता फूक जेवे पैसा फूक जेवे ज्योति जी क्या कहवा तो मोदी जी ने ऐसे इडी पड़े लारे जन डरता नाटा है आवर क्यों भाई थे कांग्रेस कोई नहीं कांग्रेस ठीक नहीं थी अड़मान आरएलपी बन अरे आदमी गांठ फाड़ तो क्यों अड़मान तो कह क्यों के जीते कोई नहीं जगू गया अड़मान जी मंगल कहीं कबाड़ हो बोलो हम भी क्यों मैंने अड़मान जी डर थोड़ी लगे मैं डरने वाला नहीं हूँ रोटी कमार भूखी कमार खाऊं नहीं मैं हम जो अड़मान बेनीवाल से डरते हैं नहीं हम ज्योति मिर्जा से डरते हैं और मैं हूँ कट्टर कांग्रेस भाई अड़मान का आदमी हूँ रेकर मारो नाव है बागड़ी हूँ जात रहो इन वास्तव बड़ो कहीं पूछो लो माठपुर गाँव है आ लियो मैं हैंग बता दूँ आपने ये 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 पहला नहीं सर मैं बोल देता हूँ ये हनुमान जी को मैं यही सुनाना चाहता हूँ कि पहले 5 साल में हनुमान जी थोड़ा मोदी जल जाए भारी ज्यादा बढ़ गया इस वास्ते हनुमान जी को लोकल ने झटको दियो अभी 5 एकड़ आ गई अब हनुमान बेनीवाल कम से कम 2 लाख से बार पार होंगे ज्योति मुर्दा की छोटे करेला पूरी आ गई बढ़ाने की पूरी अकल आ गई हनुमान बेनीवाल ने अब ये कांग्रेस साथ में जुट गया ये बंदा अभी हारेगा नहीं हलो सर अब इसको तो नहीं न तो बाबे राज करियो नहीं तीस कौन नहीं करे अब अकल आएगी अब हनुमान जी ना तो नहीं करे साहब।
हम डरते नहीं, हम कट्टर हैं, लेकिन सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे, इस प्रकार की भावना है लोगों को।